Hey guys, welcome to my channel Hyper Artwork. I'm Sid with you. Today I'm gonna show you the techniques how to draw a hyper realistic leopard painting. Firstly, I draw grids in my paper to make sure I'm not missed it's any single stain of force. I know ki big paintings mein time bahut zyada lagta hai. You have to be more patient to your painting. Magar ab dil se chahe to aapko ye boring nahi lagega. To make a real art piece, aapko patient hona padega. मैं 10वीं पेंसिल यूज कर रहा हूँ इसके डार्क पोर्शंस के लिए। एंड 4x4 लाइट शेड्स। ये थोड़ा डार्क थीम पेंटिंग है तो मैं डार्क शेडिंग पेंसिल्स ज़्यादा यूज़ करूँगा। आई रिकमेंड टू यूज़ आर्ट लाइन पेंसिल्स, इट मोर जेंटल फॉर आर्टिस्ट एंड ऑल्सो फॉर बिगिनर। देखिए, ग्रिड करने के आपको दो सुविधाएं मिलेगी। एक तो हर एक सिंगल ग्रिड में कितने स्टेन्स है, किस डायरेक्शंस में फोर्स है, सब डिटेल्स में देख सकते हैं और उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा, आपको ये कभी बोरिंग नहीं लगेगी। हर एक ग्रिड्स करने में पेंटिंग के पहले ही बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। ऐसे आप और भी पेशेंट हो सकते हैं। देखिए, मैं इसका स्टेन्स करना शुरू भी कर दिया हूँ। स्टेन्स में बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ता है, नहीं तो आपके इंटरेस्ट लूज कर देंगे। बड़े पेंटिंग्स में टाइम ज़्यादा लगता है, ये सही है, मगर मैं एंजॉय बहुत किया हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं बैकग्राउंड्स करना शुरू कर चुका हूँ। बैकग्राउंड्स में पहले कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो और मेरे इंटरेस्ट भी और बढ़ जाए। मैं 10वीं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि इट बिकम्स मोर डार्कर। उसके बाद मैं नॉर्मल रबर एंड मोनोजीरो रबर यूज कर रहा हूँ फॉर इट्स हाईलाइट पोर्शन। देन यू कैन सी मैं बॉडी का बेस शेडिंग दे रहा हूँ विथ 4B पेंसिल एंड पेपर स्टम्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। नाउ फॉर डार्कर स्टेन्स आई यूज 8B पेंसिल। And 10B pencil for second layer. आप देख सकते हैं कि मैं पहले इसका स्टेन्स का आउटलाइन कर लिया हूँ और लाइट शेड भी दे दिया ताकि आपको समझने में तकलीफ ना हो। नाउ आई एम डूइंग डार्कर शेड्स। जस्ट डू नथिंग, फील द फ्लो। आपका माइंड आपके हाथों से ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देगा।
देखिए मैं फोर्स करना भी शुरू कर दिया हूँ विथ माई टोम्बो मोनोजेरो रबर। बिग स्केच है तो इसकी फोर्स करने में आसानी होगी। मेरे लिए तो मेरे पेंटिंग्स मेरे बच्चे जैसे हैं। आई कैन स्पेंड आवर्स जस्ट टू लुक एट देम। आई नो साउंड्स लाइक मैड, मगर आप सोचेंगे तो देखेंगे कि हर एक आर्टिस्ट पागल है। As you can see, मैंने body का force भी start कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा long force होगा और body के जो बाकी parts हैं और main face का parts है वो वहाँ पे medium force होगा। जब आप रबर से फोर्स को स्टेन के ऊपर से ले जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। What I'm trying to say is observe your painting too well. Study your painting. Just start it. You have to feel the flow of your painting. Feel its force. अगर आप wildlife painting कर रहे हैं तो force कितने बड़े हैं, किस directions में जाते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको painting को अच्छे से study कर लीजिए, then start कीजिए with fresh mind. अब मैं आर्टिस्टिक अप्रोच दे रहा हूँ। देखिए मैं सोचता हूँ कि एक एक्सपीरियंस पेंटिंग इलस्ट्रेटर और बिगिनर में एक ही चीज़ की डिफरेंस है, वो है ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड पेशेंस। अपग्रेड योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स थ्रू स्टडी योर पेंटिंग एंड बिकम एन आर्टिस्ट। अब मैं डार्कर पोर्शंस में भी थोड़ा फोर्स करूँगा ताकि ये और भी रियलिस्टिक लगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी, और बहुत सारे शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इसे देख सके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एज अ सपोर्ट।